नमस्कार दोस्तों, ए3 हिंदी में आपका स्वागत है। और आज है मेरे पास ओप्पो A83 अनबॉक्सिंग के लिए। बात करें अगर स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ आपको मिलता है 5.7 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले जिसका PPI है 282। इसके अलावा यहाँ आपको मिलेगा MediaTek का MT6763 प्रोसेसर जो है एक 2.5 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और इसकी सारी कोर हैं Cortex A53 पर बेस्ड। माली G71MP2 आपको GPU मिलेगा, 32 GB की इंटरनल मेमोरी और 3 GB की मिलेगी आपको रैम। मेमोरी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट मिलेगा जिसमें आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। 13 MP का रेयर कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.2 और 8 MP का फ्रंट कैमरा जिसका भी अपर्चर साइज है f2.2। इसके अलावा यहाँ मिलेगी आपको 3180 mAh की बैटरी। ओप्पो A83 रन करता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 3.2 पर जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 7.1 पर। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ मिलेगा आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैग्नेटोमीटर, जायरो सेंसर और लाइट सेंसर। ओप्पो A83 एक वोल्टी डिवाइस है और MRP है इसकी 14,990 रुपये, लेकिन मार्केट से आप इस डिवाइस को लगभग 13,500 या 14,000 रुपये में परचेज कर सकते हो। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं अपने डिवाइस को और देखते हैं कैसा है इसका डिज़ाइन। तो ओप्पो A83 के फ्रंट टॉप पर आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा, कॉलिंग स्पीकर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसके अलावा फ्रंट पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है तो फ्रंट से तो डिवाइस लगता है कमाल का। बॉटम की तरफ आपको मिलेगा एक 3.5 mm का हेडफोन जैक, माइक, मीडिया स्पीकर और माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट। लेफ्ट साइड पे आपको मिलेंगे वॉल्यूम कंट्रोल्स की, तो टॉप पे यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट साइड पे आपको मिलेगा पावर की, इसके अलावा सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट। ओप्पो A83 में आप 2 सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। बैक साइड पर आपको मिलेगा कैमरा, उसके जस्ट बराबर LED फ्लैश और थोड़ा सा नीचे ओप्पो का लोगो। इसके अलावा बैक पर कुछ नहीं दिया गया है। दोनों तरफ से राउंडेड शेप आपको मिलता है बैक से, तो आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी ओप्पो A83 पर। बात करें अगर डिजाइन की तो 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो इस समय ट्रेंड में चल रहा है, तो ओप्पो A83 भी देखने में बढ़िया लगता है। बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, इसके अलावा फ्रंट पर भी किसी नॉर्मल ग्लास का ही प्रोटेक्शन है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको निराश करेगी। इसके अलावा एक और चीज जो आपको निराश कर सकती है वो इसका कैमरा बम। पीछे की तरफ थोड़ा सा कैमरा बम निकला हुआ है जो शायद आपको पसंद ना आए। बात करें अगर कॉम्पैक्ट साइज की तो 5.7 इंच का एक बड़ा डिवाइस है, तो सिंगल हैंड से यूज करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक सिम ट्रे इजेक्टेड पिन, इसके अलावा एक प्लास्टिक बैक कवर, कुछ पेपर वर्क्स भी आपको यहां मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा एक USB टू माइक्रो USB डाटा केबल, 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का एक एडेप्टर और एक सिंपल सा चीप हेडफोन। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बॉक्स के अंदर। अब चलिए टर्न ऑन करते हैं अपने ओप्पो A83 को। ओप्पो A83 का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर ना होना। फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह यहाँ दिया गया फेस अनलॉक फीचर। तो फेस अनलॉक फीचर फिंगरप्रिंट सेंसर से क्यों बेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ मेरे फोन में ये मेरा फेस ऐड है, अब मुझे अपना फोन करना है अनलॉक, तो नो डाउट ओप्पो A83 का फेस अनलॉक फीचर कमाल का वर्क करता है। जैसे मैं अपने फोन में पावर की प्रेस करता हूँ और अगर मैं अपने फोन की तरफ देख रहा हूँ तो वो 1 सेकंड से भी कम समय में अनलॉक हो जाता है। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि ये आंख बंद करने पर भी काम करता है, यानी कि अगर मैं सो रहा हूँ और कोई मेरे फोन को अगर मेरे चेहरे के सामने लगा दे तो भी मेरा फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ होना चाहिए था। बात करें अगर अवेलेबल स्टोरेज की तो 32 GB में से आपको 21.7 GB डाटा यूज करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 3 GB की रैम में से 1.48 GB की रैम फ्री है बिना एक भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए। कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको आई शील्ड यानी कि ब्लू लाइट फिल्टर भी मिल जाता है। इसके अलावा क्विक एक्सेस पैनल में आपको बहुत सारे शॉर्टकट भी मिल जाते हैं। बात करें अगर प्रीलोडेड एप्लीकेशंस की तो कलर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको सारे एप्लीकेशन यहाँ प्रीलोडेड मिलेंगे। इसके अलावा गूगल के भी कई सारे एप्लीकेशन यहाँ प्रीलोडेड हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करें तो फेसबुक, UC न्यूज और अमेजन भी यहाँ प्रीलोडेड मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी टैब में आपको मिलेगा किड्स स्पेस का ऑप्शन, इसके अलावा फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी यहाँ आपको मिल जाएगा। जेस्चर एंड मोशन ऑप्शन में आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन जेस्चर का ऑप्शन, जहां आप अपने फोन को लॉक होने पर भी किसी जेस्चर को ड्रॉ करके कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो या पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिलेगा गेम एक्सेलरेशन का ऑप्शन, जिसके जरिए आप अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। क्लोन ऐप भी आपको यहाँ मिलता है। इसके अलावा स्प्लिट विंडो भी आपको यहाँ मिल जाएगा।
5.7 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले आपको यहां मिलता है, जिसका PPI है 282। क्योंकि आपको मिलता है एक फुल व्यू डिस्प्ले, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस रहेगा कमाल का। इसके अलावा IPS पैनल होने की वजह से कलर देखेंगे आपको नेचुरल, और कलर में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। आउटडोर विजिबिलिटी भी डिवाइस की कमाल की है, आप डायरेक्ट सनलाइट में भी फोन को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। एक जो इशू रहेगा वो है इसकी क्वालिटी का, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है एक 282 PPI का डिस्प्ले, तो लो PPI का डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है, तो क्वालिटी का थोड़ा सा इशू रहेगा, बाकी का डिस्प्ले में कोई भी इशू नहीं है। कमाल का डिस्प्ले आपको ओप्पो A83 के साथ मिलता है। बात करें अगर कैमरे की, तो 13 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहां मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है HDR का ऑप्शन, टाइम लैप्स, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ब्यूटी इफेक्ट, पैनोरा मोड एंड प्रो मोड। बात करें अगर क्वालिटी की, तो ये कुछ एक पिक्चर्स मैंने अभी कैप्चर किए हैं, तो यहां तो मुझे कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा, लेकिन फुल कैमरा रिव्यू में जल्दी ही अपलोड करूंगा। बात करें अगर फ्रंट कैमरे की, तो यहां आपको मिलता है पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन, इसके अलावा स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन। पोर्ट्रेट मोड और स्क्रीन फ्लैश कितना कारगर है इसके बारे में मैं बताऊंगा अपने कैमरा रिव्यू में। तो अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।